देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे फैकल्टी के सदस्य, अधिकारीगण, प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और शांति कुंज के और बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, नवरात्रि की पांचवी संध्या और आज हम स्कंद माता के बारे में चर्चा करेंगे, दुर्गा सप्तशती की बात करेंगे और उसके बाद अत्रि ऋषि की चर्चा करेंगे। आज एक गीत ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें शक्ति की प्रार्थना है, शक्ति से प्रार्थना। अत्रि की जो पति हैं, पत्नी हैं अनुसुईया, वो सीता को उपदेश देती हैं कि तुम्हें कैसा रहना पड़ेगा, समय आने वाला समय कितना विकट है। तुमने देखा होगा पिछले चार दिन में हम रामचरितमानस की यात्रा कर रहे हैं, कंटिन्यूस रामचरित्र को कैसे कैसे गुजरना पड़ रहा है, कठिन आयामों से गुजरना पड़ रहा है, कहाँ पहुँचे फिर कहाँ पहुँचे, हर यात्रा बाकायदा फेजेज में है। उसी फेजेज में पार करते करते अयोध्या कांड से आज अरण्यकांड की कांड की ओर यात्रा करेंगे, तो वहाँ अत्रि ऋषि अनुसुईया दोनों मिलते हैं और अनुसुईया सीता जी को उपदेश देती हैं। सतियों, सती नारियों में, सती का मतलब ये होता है कि पत्नी व्रत धर्म को पालन करने वाली और नारी की गरिमा को बनाए रखने वाली, नारी की मर्यादाओं को बनाए रखने वाली, ऐसी पांच सतियां हैं मैं जिनके नाम लूँगा, पूरे विश्व में जिनका नाम लिया जाता है और इसी की कहानी जुड़ी हुई है, बहुत लोगों से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि रावण से भी जुड़ी हुई कहानी है। तो ये जो सती के रूप में माता पार्वती के रूप में वंदनीय माता जी का हम ध्यान लास्ट में करेंगे, उसके पहले हम शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति का गीत गाते हैं। हमें माँ से भक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। नवरात्रि शक्ति आराधना का पर्व है। हमारे ऋषियों ने कहा बलम उपास, बल की उपासना करो, आत्मबल मिलेगा तो सब कुछ मिलता चला जाएगा, तो हमें आत्मबल को अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें भक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, सानि धनि धमा मधम धम रे 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 गमधानि सानि सानि धनिता। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर बन कर छलक। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पीर बन कर छलकने। द्रवित हो उठे बाटने दिन का दुख, लगे अशुभन कर नयन में मचलने। तार कंधा पमदा पमदा नहीं कामना वासना चाहिए माँ, नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण माँ।
के भक्ति रो नहीं स्वर्ग की सिद्ध की कामना नहीं मुक्ति की कर रहे यातना नहीं स्वर्ग की सिद्ध की कामना नहीं मुक्ति की कर रहे यातना पग प्रतिष्ठा नयस चाहिए माँ नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है नहीं पग प्रतिष्ठा नयस चाहिए माँ नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है तार तार करें प्रेम शिव को विमल भक्ति का गहन मांगते हैं हमको गला करें प्रेम शिव को विमल भक्ति का गहन मांगते हैं हम भक्ति दो तानी धानी राधा मधा मरे घर घर राम धान सारे तानी धनता तुम्हें वेद माता तुम्हें देव माता तुम्हें विश्व माता तुम्हें भगवती ओ तुम्हें वेद माता तुम्हें देव माता तुम्हें विश्व माता तुम्हें भगवती हो वतन पाप से मुक्त करने तुम्हें तो पतित पावनी हो भागीरथी हो वतन पाप से मुक्त करने तुम्हें तो पतित पावनी हो भागीरथी हो तार दानी दबा दबा नवरदान अनुदान नवरदान अनुदान पुत्र चाहिए माँ तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं नतन धाम कुछ आपसे मांगते माँ विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं हमें भक्ति दो माँ हमें शक्ति दो माँ सतत साधना की तपन मांगते हैं तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरण में तुम्हारे चरणों में चरण मांगते हैं। अत्रि ऋषि हमारे बहुत बड़े एक मंडल के सूक्त के रति रचयिता है। तुम लोगों ने सुना है स्वस्ति न इंद्रो वृषभा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, ये उन्हीं का लिखा हुआ है, अत्रि ऋषि का लिखा हुआ है, अत्रि अनुसुईया दोनों का बनाया हुआ है। तो ये बहुत बड़े ऋषि हैं और ये भगवान राम का सत्कार करते हैं, भगवान राम को आगे की दिशा देते हैं। उनका मिलन कैसे होता है इसकी चर्चा आज करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे सभी छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे आचार्यगण, हमारे आचार्य बहनें, हमारे फैकल्टी के सदस्य और सभी यहाँ बैठे हुए हमारे शांति कुंज के सम्मानित अतिथिगण, आज पांचवा दिन है स्कंद माता के रूप में देवी का जन्म होता है। भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। स्कंद यानी कार्तिकेय, भगवान गणेश के बड़े भाई। गणेश जो थे वो रज और वीर से पैदा नहीं हुए थे, वो तो भगवान शिव के एक प्रकार से मानस पुत्र माने जाते हैं। स्कंद का पालन पोषण करने वाली साधक की माँ पार्वती। हमारा शरीर पिंड रज वीर से बना है, जब यह योगज शरीर बन जाता है, तो स्कंद माता के रूप में एक भूमिका स्कंद माता की होती है, जो हमें पिंडज शरीर से योगज शरीर, कामज काया से योगज काया, ये बनाने का काम जो करती है वो स्कंद माता करती है। एक साधक का दूसरा जन्म होता है एक प्रकार से, मानवीय चेतना में दूसरा साधक जन्म लेता है और अणु परमाणु का रिप्लेसमेंट होने लगता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी सेल्स, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बदलने लगते हैं, जो टोटली चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये बदलने के बाद फिर अगले दिन कात्यायनी का रूप आता है, जो हम कल बात करेंगे। तो ये हमारी जो आज की माता है उसका स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में तुमको बताना चाहता हूँ बेटा, हमें मुझे पहले दिन बताना चाहिए था, मैंने तुमको बता नहीं पाया। दुर्गा सप्तशती का अगर तुम 7 दिन का पाठ करना चाहते हो तो पहले दिन तुम नोट करना चाहो, पहले दिन नोट कर सकते हो। पहले दिन चैप्टर 1 को पढ़ो तुम, चैप्टर 1। दूसरे दिन पढ़ो चैप्टर 2 और चैप्टर 3। तीसरे दिन पढ़ो चैप्टर 4। चौथे दिन पढ़ो 5, 6, 7, 8। पांचवें दिन पढ़ो 9, 10, चैप्टर 9, 10। और छठे दिन पढ़ो चैप्टर 11। और सातवें दिन पढ़ो चैप्टर 12 एंड 13, 12 और 13। और यदि तुमको 9 दिन का पाठ करना है, 9 दिन का पाठ करना है, तो पहला दिन जो शून्य वाला दिन है, 0 वाला दिन, जिस दिन शुरू करते हैं अनुष्ठान, कवच और कीलक का पाठ करें। कवच इस दुर्गा सप्तशती के अंदर 19वें पृष्ठ पे दिया है, कीलक 36वें पृष्ठ पे दिया है। पहला दिन यानी नेक्स्ट डे, इसको आप नवरात्रि का सेकंड डे कह सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, थर्ड डे फोर्थ चैप्टर, फोर्थ डे फर्स्ट चैप्टर, मतलब थोड़ा रिवर्स है, ये रिवर्स ऑर्डर है, 2, 3, 4, 1, 2, 3 पहले, फिर 4, फिर 1। फिर पांचवें दिन 5, 6, 7, 8, जो आज का दिन है वो 5, 6, 7, 8 का दिन है। 5, 6, 7, 8 में क्या आता है, आज देवताओं की स्तुति है, धूम्रलोचन वध है, चंडमुंड का वध है, रक्त बीज का वध है। पांचवें दिन छठवें दिन नवा दसवां, सातवें दिन 11वां, आठवें दिन 12वां 13वां, और 9वें दिन अंतिम दिन रहस्य और सुक्तम, जो ऋग्वेदोक्त देवी सुक्तम, नवगुण तंत्रोक्त देवी सुक्तम और मूर्ति रहस्यम उपसंहार में आया है, 186 पेज, 189 पेज और 208 पेज। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि है। आपका इतना टाइम मिल नहीं पाता तुम लोगों के साथ क्लास में कि मैं दुर्गा सप्तशती को विस्तार से ले सकूं, क्योंकि मैं जो जिस चीज़ को लेके चल रहा हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा विशेष है और उसको मेरे को पूरा करना है, ऋषियों का वर्णन। आइए आज जिन ऋषि की चर्चा करते हैं उनका आह्वान करते हैं, अत्रि ऋषि आह्वान।
हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी है। कपह पुत है सत्य रूप है तेजस्वी प्रतिभारी है। हे महान ऋषि अति आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ईश्वर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। आज आप पर भी ईश्वर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। हिंदी में संस्कृत नहीं है, इसका संस्कृत नहीं है, हिंदी में है। चलो सब बड़े परम भक्त महर्षि अत्रि। मित्रों, महर्षि अत्रि आश्रम जो है ये गुप्त गोदावरी की ओर है, चित्रकूट और गुप्त गोदावरी के बीच में। कभी तुम लोग जाओ तो देखना। अत्रि अनुसुईया को प्राण माना जाता है, अधिष्ठाता माना जाता है। जब डीन होते हैं ना फैकल्टीज के, तो उस चित्रकूट क्षेत्र के अधिष्ठाता हैं। ज्ञानी जनों का केंद्र इसलिए है कि अत्रि रहते हैं वहाँ पर। अत्रि के रहने की वजह से सत्संग के आयोजन होते रहते हैं, सुबह शाम क्लासेस होती रहती हैं, सत्संग पाठन पठन पाठन क्लासेस चलती रहती हैं। उनका संरक्षण है, इसलिए रावण के राक्षस भी नहीं आ पाते वहाँ पे। रावण के राक्षस उन दिनों जगह जगह फैले थे, तप करना संभव नहीं था ऋषियों के। वनों को ऋषियों के लिए छोड़ दिया जाता था, राज्य भी उसमें विघ्न नहीं डालता था, राज्य भी डिस्टर्ब नहीं करता था। संरक्षण ढूंढने वाले मतंग आदि ऋषि उनके सानिध्य में साधना करते थे, तप करते थे। अत्रि शब्द जो बना है अत्रि, अत्रि तीन गुणों के पार, त्रि यानी तीनों गुण, अ यानी तीन गुणों से दूर, अ नेगेटिव, सत रज तम त्रिगुणों से, त्रिगुणातीत भी नाम हो सकता था, तो त्रिगुणातीत के बजाय अत्रि नाम है। और अनुसुईया नाम जो है यह है, नुसुईया का मतलब होता है दोष दृष्टि देखना। अनुसुईया का मतलब होता है जो दोष दृष्टि नहीं देखती किसी में, किसी में दोष नहीं देखती है और हमेशा हरेक में अच्छाइयां देखती है, सभी में गुण देखती है अनुसुईया। ऋग्वेद काल में इनका उल्लेख आता है, आदि काल में ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं ये। और अनुसुईया जो है कर्दम देवहूति की पुत्री हैं। कई ऋग्वेद के मंडल, पांचों मंडल आत्रेय मंडल नाम से जाने जाते हैं, आत्रेय मंडल, कई सूक्त उनके नाम से हैं। उनके जिम्मे, और भी कुछ बताऊंगा उनके बारे में, अत्रि के बारे में, उस क्षेत्र को पवित्र बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। देवगण भी चकित कि इस क्षेत्र में राक्षस लोगों का और असुरों का कोई प्रभाव नहीं है। तो पूरा पूरा चित्रकूट क्षेत्र जो आसपास का है, बहुत हरा भरा जंगल है, 200 किलोमीटर का बेल्ट है पूरा, 200-300 किलोमीटर का, उस पूरे बेल्ट में जंगल ही जंगल। और परम सती अनुसुईया सती धर्म का उपदेश सीता को देती हैं, देवलोक में चर्चा होती है, पृथ्वीलोक में कौन है ऐसा जो परम शक्तिशाली है। तो भगवान नारद, जो नारद भगवान जो हैं, भगवान के एक प्रकार से मन के रूप में काम करते हैं, भगवान के मन के रूप। तो भगवान लीला रचने के लिए नारद का प्रयोग करते हैं। तुम लोग कभी लगता होगा नारद बड़ा श्रूड कलाकार है, नारद की भूमिका बड़ी श्रूड है, जहां देखो नारद नारायण नारायण करके पहुंच जाते। भगवान की प्रेरणा से जाते हैं, भगवान की प्रेरणा से लोगों को सत्परामर्श देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने नारद परंपरा में प्रशिक्षण देने की परंपरा चलाई लोगों को। नारद परंपरा में हम लोगों को जाके संगीत के माध्यम से, सत्परामर्श के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे। तो नारद जो हैं वो महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है आपस में कि हम हैं महासती, हम हैं महासती। सब कहते हैं कि नारद कहते हैं उनसे, सब कहते हैं कि सती अनुसुईया धरती पे सबसे बड़ी हैं, आप तीनों से भी बड़ी हैं। उनका कभी व्रत खंडित नहीं होता, आपके पति भी उन्हें ही मानते हैं। सुन लीजिए, आपके पति से सुन लीजिए। तो लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछते हैं कि बताइए, आप बताइए कि धरती पे सबसे महासती कौन है जो अपने पतिव्रत धर्म को निभा करती है, किसी में दोष नहीं देखती है। तो तीनों के तीनों को जवाब देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ जवाब देते हैं, सती अनुसुईया, एक साथ तीनों के जवाब निकलते हैं। तीनों के तीनों जो हैं पूरी की पूरी तरह से पति से पूछने के बाद जो है वो गुस्से में आ जाती हैं, बोले हम उससे परीक्षा लेंगे। बोले आप जाकर, नारद जी कहते हैं धीरे से अपनी एक छोटी सी सुरली छोड़ देते हैं कि माया अगर माता अगर आप तीनों को बुरा लगा हो तो आप जाकर उनका सत्यत्व तो भंग कर दीजिए, आप तीनों में कंपटीशन हो जाएगी, फिर तो आप तीनों ही बचेंगी। अगर आपको जाना है तो सत्यत्व तो भंग करके आ जाइए उनका। धर्म संकट उत्पन्न हो गया,
तीनों गई और तीनों ने जाने का सोचा, तो तीनों के जाने के पहले ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने तीनों ने कहा कि भाई हमें पहले जाने दो, तुम उनके सामने तुम अपमानित हो जाओगे, तो हमें जाने दो पहले। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए साधुओं का वेश धारण करके। उन्होंने कहा हम भिक्षा मांगने आए हैं, परंतु तो आपसे भिक्षा लेंगे तो आपसे लज्जा विहीन होकर लेंगे, आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दीजिए। अब स्त्री अत्रि बाहर थे, तपस्विनी थी अत्रि, आप अगर नहीं दे सकते तो मत दीजिए, हम लौट जाएंगे। अगर आप भिक्षा नहीं दे सकते तो हम लौट जाएंगे, कोई बात नहीं, मना कर सकती हैं। तो अनुसुईया अंदर गई, ध्यान लगा के देखा, बड़ी तपस्वी थी, ध्यान लगा के देखा कौन है। उन्होंने कहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, साधु आए परीक्षा लेने आए मेरी पत्नी के कहने पे। अच्छा ठीक। उन तीनों को देवताओं को उसने तीन तीन माह के बच्चे बना दिए छोटे। ये अनुसुईया का तप था, अनुसुईया के तप का प्रभाव था कि तीनों बन गए तीन तीन माह, और जोर जोर चिल्लाने लगे दूध पीना है। देवलोक में त्रिदेवों का अभाव हो गया। ये पौराणिक कथा है, मैं जो सुना रहा हूं ना तुमको पौराणिक कथा, इसके पीछे जो दर्शन है वो मैं बताता हूं उसके बाद। देवलोक में त्रिदेवों का अभाव हो गया, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और तीनों नहीं आ रहे हैं, तीनों कहां चले गए भाई, पता लगाओ। तो फिर नाराज जी से कहा कि आप ही जाइए, आप ही पता लगा के आइए, आपने आग लगाइए, आप ही पता लगा के आइए। तो उन्होंने कहा कि कहां है भाई, अनुसुईया से पूछा कि वो तीन आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश कहां है। बोले उड़े तीनों देखो खेल रहे प्रेम से, किसी को किसी की याद नहीं आ रही, ब्रह्मा जी को भी किसी की याद नहीं है, उनको सरस्वती की याद नहीं है, वो तो तीनों के तीनों मेरे छोटे से नन्ने मुन्ने बच्चे हैं, मैं इनको रोज दूध पिलाती हूँ, मेरा खूब आराम से मैं इनका खेल रही हूँ, खेल कूद रहे। तपोबल से स्वाभाविक रूप में लाया जा सकता था उनको, पर वो उन्होंने कहा कि तीनों देवियाँ आए तो हम माने। तीनों देवियाँ आई, तीनों देवियों ने कहा हे महासती हम आपको तपस्विनी मानते हैं। तीनों स्वाभाविक रूप में आ गए, उन्होंने वर मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई वर नहीं चाहिए, आप प्रसन्न रहिए बस हमारे ऊपर। आप एक काम करिए, आप तीनों मेरे गर्भ से पैदा हुई, आपका तीनों का अंश मेरे जीवन में आए, ब्रह्मा का वंश भी अंश भी आए, विष्णु का अंश भी आए, और महेश का अंश भी आए। तो ब्रह्मा से चंद्रमा पैदा हुए अत्रिकेय, विष्णु से दत्तात्रेय पैदा हुए, और भगवान शंकर से दुर्वासा पैदा हुए। अत्रि का वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन आता है। ये अयोध्या कांड चल रहा है अभी, अयोध्या कांड में अत्रि ऋषि जो हैं उनके आश्रम में पहुंच गए हैं। उनके आश्रम में पहुंचने के बाद भगवान राम भगवान लक्ष्मण दोनों के दोनों अपनी बात कहते हैं, वो बात मैं बाद में बताता हूँ। अनुसुईया ने घोर अकाल में तप करके अत्रि आश्रम से गंगा की धारा, अत्रि आश्रम से निकली गंगा की धारा मंदाकिनी के रूप में प्रकट की, और कम से कम कुछ नहीं तो 10 किलोमीटर दूर जाके लुप्त हो जाती है। पर गंगा जल और उसके जल को जब ना मूल्यांकन किया गया तो दोनों जल एक जैसे निकले। इससे पता चलता है कि अनुसुईया में बड़ा तपोबल था। कोल किरात भीलों के देवता अत्रि हुए, जब भगवान चित्रकूट में ठहर गए तो सबसे मिले। 11 वर्ष चित्रकूट रहे श्री राम। देखो सबसे बड़ी भूमिका भगवान के साथ निभाने की चित्रकूट में अत्रि ऋषि की है। वाल्मीकि ऋषि की मैंने चर्चा की, वशिष्ठ की विश्वामित्र की। वशिष्ठ को बचपन का समय मिला, युवावस्था का समय विश्वामित्र को मिला, भारद्वाज को थोड़ा सा समय मिला, थोड़ा समय वाल्मीकि को मिला जब उन्होंने 14 भुवन गिनाए, कल जो बताई थी बात। आज जो 5वां दिन है, आज अत्रि ऋषि को 11 साल मिले, और 11 साल तक उन्होंने चित्रकूट के जिस स्थान पर सेवन किया उसकी मैं बात सुनाऊंगा। ऋषि मुनियों से पूछा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप बताएं। तो उन्होंने कहा हम वन में रहते हैं और तप में लीन रहते हैं, पर शास्त्रों की सुविधा नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, हमारे पास किताबें नहीं है, शास्त्र नहीं है, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कोई सुनाने वाला कोई नहीं है। आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आपको वशिष्ठ ने सिखाया है, आपको विश्वामित्र ने सिखाया है, आपको भारद्वाज ऋषि ने सिखाया है, आप हमें शास्त्र पढ़ाइए। तो ऋषि लोग आते थे, बैठते थे, शास्त्रों का ज्ञान राम और लक्ष्मण कराते थे। सीता ऋषि मुनियों को भोजन कराती थी। एक निष्कंटक जीवन जिया भगवान ने, 11 वर्ष प्रेम से जीवन जिया।
तपश्चर्या में आनंद भगवत चिंतन में कोल किरात वन अपने जगह जगह से कंदमूल फल ले आते थे, कंदमूल फल उबाल उबाल करके सबको खिलाए जाते, सब आराम से प्रेम से भोजन करते थे और फिर क्लास चालू हो जाती थी। यहाँ आलू खाने को मिलता थोड़ा थोड़े दिन के लिए तो लोग रोने लगते हैं बुरी तरह से। वहाँ उन लोगों ने 11 साल खाया और 11 साल तक तप किया, 11 साल तक रहे उनके बीच में। अवतार लीला आरंभ होनी थी, मूल बात यह थी कि अवतार लीला आरंभ होनी थी। अत्रि का तप भगवान राम को तैयार कर रहा था और राम का ज्ञान ऋषियों को तैयार कर रहा था। दोनों का आदान प्रदान, ऋषियों का और भगवान राम का अवतारी चेतना का आदान प्रदान चल रहा था। अत्रि के तप के कारण राक्षसों का उपद्रव नहीं था, राक्षस वहां आ नहीं पाते थे। राक्षसों की चौकियां थीं, ऊपर की चौकियां तो नष्ट कर दी थीं राम ने, ताड़का बाहु सुबाहु मारीची। नीचे की चौकियां जो थीं फ्रॉम चित्रलोक चित्रकूट टू पूरा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा के पूरा नीचे का किष्किंधा वाला क्षेत्र, अरण्य जहाँ अरण्य कांड हुआ है, किष्किंधा कांड हुआ है, ये सारा क्षेत्र राक्षसों से युक्त था, राक्षसों की चौकियां थी। तो भगवान को दंडकारण्य जाना था, पंडे पंचवटी क्षेत्र जाना था जहां सुरपणखा वाला प्रकरण, खरदूषण वाला प्रकरण होना था। तो आगे के लिए उन्होंने पूछा ब्रह्मज्ञानी तपोबल के धनी ऋषि, तो अत्रिज ऋषि जो है सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं, सप्तऋषियों में से एक है, प्रजापति की उपाधि प्राप्त है इनको, सृष्टि की व्यवस्था के संचालन में त्रिदेवों के सहयोगी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के सहयोगी हैं। कैटेगरी वाइज अगर सीनियरिटी देखें, जैसे अपने यहाँ कैटेगरी है चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, ऐसी कैटेगरी है ना अपने यहाँ, इसी तरह वहाँ की कैटेगरी देखें तो क्या है कि परमात्मा, परमात्मा के बाद त्रिदेव, त्रिदेव के बाद प्रजापति, प्रजापति के बाद सप्तऋषि, सप्तऋषि के बाद इंद्र आदि देवता, ये कैटेगरीज हैं। प्रजापति की भूमिका मिली हुई थी, सप्तऋषियों से भी ऊंची प्रजापति की भूमिका मिली हुई थी इनको, सीनियर मोस्ट प्रमोशन मिला हुआ था इनको। सूक्ष्म व्यवस्था पूरे सृष्टि की बनाए रखना अत्रि का काम था, अत्रि का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। उनके दिमाग, उनके लिए जो काम सौंपा गया था वो था कि अवतार लीला कैसे पूरी हो। सबसे बड़ा प्रश्न था असुरता, समाज की विधि व्यवस्था। भगवत योजना खास काम के लिए होती है, ऋषि मुनियों को अभय देने के लिए वनवास लिया था भगवान ने, ऋषि मुनियों को अभय देने के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनियों को ज्ञान देने के लिए और ऋषि मुनियों से आशीर्वाद पाने के लिए, ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन पाने के लिए भगवान राम इस रूप में आए थे। साधुजनों का परित्राण और धर्म का उत्थान, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ये भगवान का जन्म इसलिए होता है। हर चीज का समय होता है, काल ही मारता है किसी को, रावण का समय आ गया था, इसी के लिए अत्रि के आश्रम में गए थे, मैच्योर हो रहे थे 11 साल तक। 11 साल किसको कहते हैं मित्रों, 11 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, बहुत बड़ा पीरियड होता है। वहीं अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके, अत्रि ऋषि के आश्रम के पास अपनी पर्णशाला बनाई और पर्णशाला में रहे। कामतगिरी पर्वत है, कामतानाथ की परिक्रमा होती है, मैंने कल तुमको बताया था कामतगिरी के बारे में। लक्ष्मण टेकरी वहां पर एक लेफ्ट साइड में है, थोड़ा आगे चल के एक स्फटिक शिला है, वहां स्फटिक शिला पर सीता बैठी थी, तो सीता को इंद्र के पुत्र जयंत के मन में कुचाल आई, वो कौवा बन के आया और उनके पांव में नाखून, पांव बहुत सुंदर दिखे, तो उनके पांव में चोंच मारकर भागने लगा। भगवान राम ने एक तिनका लिया और तिनका को ब्रह्म शिरस्त्र आदि ब्रह्म शिरस्त्र बना करके उसको छोड़ दिया, जहां भी हो इसको मार दो। जयंत इंद्र का पुत्र था, आजकल के जो राजा महाराजा तो नहीं है पर चीफ मिनिस्टर का बेटा, गवर्नर का बेटा, बड़े बड़े जो राजपुत्र हैं उनको कभी कभी अहंकार हो जाता है तो कहीं तो भी जाके गड़बड़ी करने लगते हैं। सीता जी के पैर में चोंच मार दी, अरे भगवान छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, वो ब्रह्मास्त्र जो है वो उसका फॉलो करता रहा, उसको फॉलो करता रहा, पूरे त्रिलोक में सबने मना कर दिया, भगवान राम ने छोड़ा है, नहीं 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 नहीं, ब्रह्मास्त्र का विफल नहीं होता। तो उसने आके माफी मांगी, चरणों में घिर करके अपना रूप बदला कि मुझे माफ कर दीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कौवे के वेश में था, तो भगवान ने कहा कि ये तो विफल नहीं होगा, वापस नहीं जाएगा, एक आंख तो तेरी को देनी पड़ेगी। तो ऐसा कहते तब से कौवे की एक आंख टूट फूटी हुई है, एक आंख जो फूटी हुई है वहीं से भगवान के द्वारा फूटी। ये स्फटिक शिला पे प्रकरण हुआ था। स्फटिक शिला पयस्वनी निधि मंदाकिनी के पास है, बहती है। सीता ने अनुसुईया को यहीं प्रबोध दिया, सीता को सती धर्म का प्रबोध दिया, दिव्य वस्त्र दिए, आभूषण दिए,
अब वो लीला सुनाने के पहले मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहता हूं रामायण में से, रामचरितमानस में से। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के पराकाष्ठा पे हम लोग आ गए। यहां पर तुम लोगों ने वाल्मीकि वाला प्रकरण सुना, और वाल्मीकि वाला प्रकरण सुनने के बाद तुमने एक्चुअली बीच में क्या है, तुलसीदास जी की इस माला में, तुलसीदास जी के इसमें कई जगह कई चीजें ऐसी आती हैं जो सुमंत का आना, अयोध्या भगवान दशरथ का संदेश लेकर के आना, ये सारी सारी बातें। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आश्रम में भगवान किस तरह से रहते हैं। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कहा कि हे भगवान, आप अत्रि आदि मुनिवर बसु, 132वां श्लोक 132वां दोहा अयोध्या कांड, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, चलहु सफल शम सब करहु करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं जो योग जप और तप से शरीर को कसते हैं। हे राम जी, देखो योग किस लिए होता है, शरीर को कसने के लिए होता है, जप किस लिए होता है, मन को कसने के लिए होता है, तप किस लिए होता है, अंतरात्मा को कसने के लिए होता है। मतलब ये जितनी भी रामायण की चौपाइयां हैं इन सब में तत्व दर्शन छिपा हुआ है। हे रामचंद्र जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहानी नहाए सरितवर सिंह समेत दो भाई। वहां स्नान किया उन्होंने, स्नान करके वो चले, सारे देवी देवता कुल भीलों के वेश में आए, दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिए, दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी, दूसरी बड़ी थी, बड़ी वाली राम और सीता के लिए थी, दूसरी छोटी वाली लक्ष्मण के लिए थी। उसके बाद फिर देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए, देवता रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किसी को प्रणाम किया, देवता नेत्रों से भगवान राम के दर्शन करके प्रसन्न हुए। श्री रघुकुल नायक चंद चित्रकूट में आकर के बस गए हैं, यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए और मुनि श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं, और उनके आने से सभी अपने आश्रम में स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह समाचार जब कुल भीलों ने पाया, ये सारा अयोध्या कांड का वर्णन चल रहा है, तो वैसे ऐसे हर्षित हुए जैसे मानो नौ निधियां उनके घर पर आ गई हो। वे दोनों में दोना जानते ना किसको कहते, पत्ते का दोना बनता है ना, दोना दोना पत्तल के साथ दोना होता है, दोनों में कंद मूल फल लेकर भर भर के ले चले, मानो दरिद्र सोना लूटते हुए चले हों। अब ये उपमा है उनकी। और जाकर के वो जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं हमारे पास और तो कुछ नहीं है, पर ये हम आपको दे सकते हैं। हम नाथ सनाथ सब भय देखु पाई, भाग हमारे आगमन राव और कोसलाई, हमारे यहाँ कौशल राय आए हैं और हम आपके पास ही लेकर आए। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं, पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ धन्य हैं जो आपको देखकर सफल हो गए। ये सारी सारी बातें कर रहे हैं और खूब सुंदर उनके आश्रम को बना रहे हैं। चित्रकूट के पशु पक्षी बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं, धन्य हैं। क्षण क्षण पर सीताराम जी के चरणों को देखकर, अपने ऊपर उनका स्नेह देखकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी उनको भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। अब ये सब कुछ चलता चला जा रहा है, यहाँ तक आते आते ये अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है। अयोध्या कांड इसके बाद और भी लंबा है, पर हम अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड में इसलिए प्रवेश करते हैं कि यहाँ अत्रि ऋषि आ गए, और अत्रि ऋषि जो हैं उनको बड़ा सुंदर स्तुति गानी जिसको आज हम गाएंगे। सकल मुनीन के मन वसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि से उठकर दौड़ते आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और दोनों जनों को अपने अश्रुओं से नहला दिया। वाह क्या बात। और प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। स्तुति हम करेंगे यहाँ पर। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोशलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वधामदम, नमामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम प्रधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम
प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडलम महेश चाप खंडनम मुनिन्द्र संत रंजनम सुराय दंड भंजन मनोज वेरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम स्वदंगी मूल ये नरा भजन्ति हीन नस्करा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीज संकुले विवक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिशोकं तमेक अद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभु जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेय केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं तु देव्यमन्वहम् अनूपरूप भुक्वति नतोऽहमुं पुंजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे लास्ट में है पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम वज व्रजन्ति नाथ संशयम त्वदीय भक्ति संहिता। जो आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं वे इस स्तुति को प्राप्त पढ़कर भगवान के पद को प्राप्त करते हैं। मित्रों मैंने केवल इसलिए सुनाई स्तुति कि तुमको पता चले कि तुलसीदास जी कितने ज्यादा विद्वान थे, कितनी सुंदर स्तुति लिखी उन्होंने। अत्री जी की मुझसे कहलवाइए। भगवान अत्री जी प्रजापति के समान है पर वो भगवान की परमात्मा की वंदना कर रहे हैं। हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अगला जो चौथा दोहा है, अनुसूया के पद कही सीता फिर परम शीलवती विनम सीता जी अनुसूया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। दिव्य वसन भूपन पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। अब क्या था कि इसके बाद सीता जी को जहाँ जाना था 11 साल के बाद जहाँ जाना था वहाँ का अभ्यास 11 साल में कर लेना था। तो कपड़े रोज मेले होंगे धोना पड़ेंगे। तो अभी तक तो जब से डेढ़ साल से चली थी तब से वो तापसी तापस वेश में थी। तो वो दिव्य वस्त्र देती हैं, वो कहती हैं जब यहाँ से चलो तुम तो यहाँ से चलो तो दिव्य वस्त्र पहन के जाना। और इसके साथ साथ क्या देती हैं, वो कहती हैं कि कह ऋषि विदु सरस मृदुरानी ना धर्म कुछ वजू कुछ ब्याज बखानी। दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए और कुछ अंगराज दिया उनको, विशेष अंगराज जिससे तुम महीनों तक मेली नहीं होगी, कपड़े तुम्हें धोने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें ऐसे स्थान पर रहना पड़ेगा जहाँ तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद पतिव्रत धर्म का उपदेश देती हैं, सती नारी कैसी होनी चाहिए इसकी बात बताती हैं। ये मैं तुमको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। स्त्री जन्म से जो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को जो प्रिय है चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता तो सुनो तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने भगवान के संसार के हित के लिए कही। क्या करना क्या है, हे सुकुमारी सुनिए। माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देते हैं। हे जानकी पति तो असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत दीन ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। मित्रों हो सकता है तुम में से कई लोग आज के इस चिंतन से जुड़े हुए इसलिए शायद सहमत न हो, पर ये रामायण की उस जमाने की शिक्षा है जिस जमाने में पतिव्रत धर्म के पालन का एक शिक्षण अनिवार्य था मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते। शरीर मचन और वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसता है जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है, सपने हूं आन पुरुष जग नहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में, छोटे को पुत्र के रूप में देखते हैं। धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में उसे अधम स्त्री जानना, पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है उसे वह तो सो कल्प तक
रौरव नरक में पड़ी रहती। क्षण भर के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल से जोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहां जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। यह अनुसुईया की शिक्षा है। ये चूंकि रामचरित मानस में लिखी है, मैंने सुनाई है, मैं इसकी कुछ व्याख्या आज के शब्दों में, आज की व्याख्या आज के रूप में करूंगा। दिव्य वस्त्र दिए, इस बात का परिचय कि आगे का मार्ग कठिन होगा। चित्रकूट से आगे का सफर बड़ा विलक्षण है। खरदूषण, विराध, त्रिशिरा, कबंध, ये चार राक्षस मिलेंगे। खरदूषण, विराध, त्रिशिरा और कबंध, इनका भारी आतंक। खरदूषण के पास 14,000 राक्षस थे और बहुत बहुत बड़ी चौकी थी उसकी वहां पर, दंडकारण्य का बड़ा जो स्थान है। ये बस्तर का जो क्षेत्र है, तुम लोगों में से कोई बस्तर गया, केशकाल कोई गया है? ऐसा कहते हैं सीता के वहां केश गिरे थे इसलिए केशकाल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कोई है यहाँ? छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं? हाँ बच्चों, तुमको याद मालूम है बस्तर का क्षेत्र मालूम है? बस्तर कोई गया है बस्तर में? मैं बस्तर 3-4 बार 4-5 बार होके आया हूँ। अभी चिन्मय भी बस्तर होके आया, केशकाल में उसने कार्यक्रम किया था। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो इलाका है पूरा का पूरा, ये भगवान राम का इलाका है। भगवान राम चित्रकूट से चले तो छत्तीसगढ़ में एंट्री की, उन्होंने एंट्री करके नीचे तक होते हुए और नीचे से छत्तीसगढ़ के डाउन में होते हुए निकल गए सीधे सीधे। ये जो था ये राक्षसों का बेल्ट था पूरा पूरा। पर यहाँ पे सारे के सारे ऋषियों ने, सारे के सारे वहाँ के जो आदिवासी थे उन लोगों ने, सब ने उनकी मदद की। दंडकारण्य को पार करना आसान नहीं था। दंडकारण्य वह स्थान है जहाँ भारत और लंका का बिल्कुल मध्य स्थान है। इसके बाद था अगस्त ऋषि का आश्रम। सबकी योजना राम को समझाई अत्रि ऋषि ने, आपको क्या करना है, आगे चल के आपकी कठिन परीक्षा होने वाली है, आपको 11 साल तो बीत जाएंगे पर 11 साल बीतने के बाद आपको क्या करना है, आगे सावधानी रखनी है, संघर्ष भरे समय रखना है, 11 वर्ष तैयारी के हैं, आप तैयारी करिए। अत्रि ने नारायण रूप को पहचाना और कहा नारायण मैं सक्षम नहीं हूं आपको बताने में, पर मैं योजना बना रहा हूं और योजना बनाने के लिए भगवान ने मुझे सौंपा है। रावण का बल कितना है, मेघनाद कितना बलशाली है, यह आपको जानना पड़ेगा। मेघनाद रावण से भी ज्यादा बलशाली है। रावण का बल उसकी पत्नी मंदोदरी के कारण है और मेघनाद का बल उसकी पत्नी सुलोचना के कारण है। जिसकी पत्नी पतिव्रती है और जिसकी पत्नी ने इतना तप किया है उसकी वजह से उनका बल है। जीवन शैली, रहन सहन, सती का मतलब क्या है? जीवन शैली, रहन सहन, जीवन शैली, रहन सहन, स्वधर्म पालन, उत्कट स्तर का। जीवन शैली, रहन सहन, स्वधर्म पालन, उत्कट स्तर का, उसी के बल से वो रक्षा करती है। इसी प्रकरण में एक चर्चा आती है, वृंदा की चर्चा आती है। वृंदा यानी तुलसी। जलंधर की पत्नी वृंदा परम सती थी। परम सती अपराधी है नारी, तेहते देही जीते ही त्रिपुरारी, तेहते के ही जीते ही त्रिपुरारी। उनसे कैसे जीतते? तो महेश जलंधर से लड़ते हैं। जलंधर जो पंजाब का है उसी के नाम पर रखा गया है। जलंधर महेश से लड़ते हैं, राक्षस से लड़ते हैं। और वृंदा की कहानी किसी और समय सुनाऊंगा। वृंदा के सतीत्व से सुरक्षित था जलंधर, ऐसा कहा जाता है कि उसके सतीत्व को खंडित किया गया। इस वजह से भगवान शिव ने, फिर भगवान हरि ने उनको अपनाया। भगवान हरि की वो कही जाती हैं, सती ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को खींच लाती, घसीट लाती है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा सती नारी के आसपास होती है। इसी स्तर की नारी थी अनुसुईया। विष्णु ने सतीत्व को कुपित किया। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं भगवान राम जा रहे हैं, वहाँ मंदोदरी है, मंदोदरी से भी लड़ना है। तो 5 सतियाँ बताई गई हैं शास्त्रों में, 5 सतियाँ, सीता, तारा, मंदोदरी, सीता, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और विभीषण की पत्नी शर्मा, शर्मा, SARMA, शर्मनी, SARMA, शर्मा। ये 4-5 महासती हैं। अधिक से अधिक आत्मबल चाहिए, तुम दोनों को चाहिए, राम को भी चाहिए, सीता को भी चाहिए और लक्ष्मण को भी चाहिए। लक्ष्मण अपने तपोबल को अक्षुण रखेंगे तभी मेघनाथ को मार पाएंगे। असुरों का शरीर बल क्षणिक होता था पर आत्मबल अपरिमित था उनका। रावण का शास्त्र बल, तपोबल वरदान ढेरों थे उसके पास। आप जहां जा रहे हैं वहां कड़ी परीक्षा होगी, आसान कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अब वह तैयारी हो जानी चाहिए। पति की गुलामी नहीं होती सती, सती बनना पति की गुलामी नहीं होती, जीवन शैली को बदलना होता है। आप मंदोदरी से जीत सको इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। कमजोर नहीं पड़े तुम्हारा तपोबल,
तुम्हारे पति की सुरक्षा खतरे में न पड़े। वशिष्ठ विश्वामित्र श्री राम की रक्षा करते हैं शुरू शुरू में, बाद में सीता और उर्मिला का तप सुरक्षित करता है राम और लक्ष्मण दोनों को, और भरत सहित अयोध्यावासियों का तप सुरक्षित करता है भगवान राम। मैंने अवतार को कितने लोगों की सुरक्षा की जरूरत है, जब भी अवतार आते हैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सहभागी बनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आए तो परम पूज्य गुरुदेव ने न जाने कितने लोगों को साथी बनाया कि आप सब अनुष्ठान करिए, आप सब जप करिए। क्यों जरूरत थी? माहौल बदलने के लिए, सारे वातावरण को गायत्रीमय बनाने के लिए। वातावरण में संव्याप्त प्रदूषण इतना विकराल है, इतना भीषण है कि उसको मिटाने के लिए जरूरत है कि सब लोग मिलकर तप करें। समूह साधना, समूह साधना से ये रक्षा हो सकेगी राक्षसत्व। राक्षसत्व घर घर में है, आज घर घर में रावण है, घर घर में कंस है। कब पिता तुम्हारा, कब तुम्हारा दादाजी, कभी कब तुम्हारे मामा जी, कब तुम्हारे काका जी कंस बन जाएंगे, कब तुम्हारे वो बन जाएंगे रावण बन जाएंगे, पता नहीं। कब शील हर लेंगे, कब किसके साथ क्या हो, किसकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, इस कलयुग में कोई भरोसा नहीं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सूक्ष्म जगत प्रदूषण से जो युक्त हो रहा है वो मुक्त हो। कब कोई सास किसी बहू को मार जला डालेगी, मार डालेगी, कब कितनी घुटन में जी रही बहुएं आत्महत्या कर लेंगी। इस समय सतीत्व बल, नारी बल, नारी की शक्ति की रक्षा करना बहुत जरूरी है। रावण के प्राण तो कभी के चले जाते हैं। रावण सही अर्थों में कहा जाए तो बलि के साथ, रावण बलि के पूंछ में बंध बांध दिया गया था और वहां उसने पूरी पूरी धरती पर उसको घुमाया, पूरे ब्रह्मांड में घुमाया। सहस्त्रार्जुन अर्जुन ने बंदी रखकर उसको अपने पास सुरक्षित रखा, पर उसको उसकी रक्षा हमेशा उसकी पत्नी करती रही। मंदोदरी का सतीत्व बचाता रहा रावण को, रावण की रक्षा सतीत्व के माध्यम से। इसलिए सीता को सतीत्व की रक्षा की बात कही जा रही है। उसी के बल पर वह बार बार छूटा। अब ये वृत्तियों का तप का युद्ध है, वृत्तियों का युद्ध है, तप का युद्ध है। राम हो सकता है भगवान विष्णु के अवतार हो, पर उनके साथ साथ सतीत्व की भी परीक्षा है, व्रत की भी परीक्षा है। लक्ष्मण के युद्ध के दौरान मेघनाद या तो युद्ध भूमि में रहता था या साधना भूमि में रहता था, वह शक्ति अर्जन करता रहता था। मेघनाद ने इंद्र से रावण को छुड़वाया था। मेघनाद इतना ताकतवर था कि जब इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया तो रावण से छुड़वा के, रावण को वहां से छुड़वा के लाया। सुलोचना उसकी पत्नी नाग कन्या थी, शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण। जब आ गए लंका, आ गए लंका, आ जाने के बाद सुलोचना उनके पास आई, लक्ष्मण के पास आई और बोला, एक तरह से आप शेषनाग हैं, मैं आपकी पुत्री हूं, और मैं पुत्री हूं तो पुत्री को विधवा होते आप कैसे देख सकते हैं, मेघनाद को मत मारिएगा। तो लक्ष्मण, ये बहुत विलक्षण प्रकरण है। देखो, राम की बात सुनते चले आ रहे हो, सीता की बात सुनते चले आ रहे हो, लक्ष्मण की बात नहीं सुनी हुई तुमने। लक्ष्मण कहते हैं, दो बार के अपराध क्षमा होंगे, दो बार के अपराध, पर तीसरी बार मैं उसको माफ नहीं करूंगा। दो बार वो मेरे पे कोई कोशिश करेगा मारने की तो मैं बंध जाऊंगा, मैं उसके श्राप से बंध जाऊंगा, मैं उसके नागपाश में बंध जाऊंगा, पर तीसरी बार मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। तुम धर्म के मार्ग पर हो तो मेरी पत्नी भी धर्म के मार्ग पर तप कर रही है। यहां सीता तप कर रही है तो उर्मिला तप कर रही है। अगर सुलोचना तुम सती हो और तो मेरी पत्नी भी सती है, वो भी नारी है वहां पर। और अगर तुमने अगर मेघनाथ के तप को अक्षुण्ण बनाए रखा है, तुम्हारी वजह से तप अक्षुण्ण बना हुआ है, तो मित्रों वो ये कहते हैं लक्ष्मण कहते हैं, तो फिर मैं भी कम नहीं हूं। मैंने भी 14 साल तक बिना पत्नी के अपने साथ रहते हुए मैंने तप किया है। मैंने भी मेघनाथ से बढ़कर शक्ति अर्जित की है। मैं श्री राम की सेवा की है, श्री राम की सेवा का तप मेरे पास है। दो बार पराजित हुए जानबूझकर, सुलोचना के कहने में आकर। क्यों? नाग कन्या और शेष नाग है, खुद नागपाश से बांधा और वीर घातिनी शक्ति से बांधा। पहली बार नागपाश से, दूसरी बार वीर घातिनी शक्ति से। दोनों बार बंधे गए पर छुड़ा लिए गए। दोनों बार कोई पराजित नहीं हो सका, पर अंत में तीसरी बार मेघनाद मारा गया और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। ये मित्रों, ये बड़े इतिहास के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो तुमको जानना चाहिए। रावण से मंदोदरी का बल था और मेघनाद के पीछे सुलोचना का बल था। अभी तक भक्ति ज्ञान साधना की बातें होती नहीं हैं, अब संग्राम की बात आ गई है, जो मात्र तप से जीता जा सकता है। जब तक रावण का तप व पुण्य क्षीण नहीं हो जाता, तब तक उसकी रक्षा होती रहेगी। पुण्य अथाह था, बहुत ज्यादा पुण्य था उसके यहां। विभीषण था जो पुण्य की रक्षा करता रहता था। लंका के पुण्य की रक्षा विभीषण के माध्यम से होती थी। विभीषण के रावण के यहां से हटते ही
रावण के नाना कहते हैं, माल्यवान कहते हैं कि अब तो तुम्हारा पुण्य बल चला गया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। बोले विभीषण की चर्चा मत करो, वो भगोड़ा है, वो चला गया यहां से, पुण्य चला गया तुम्हारा, तुम्हारा पुण्य चला गया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। जो भी बचा तब बचा है, तुम्हारा शरीर बल बचा है और तुम्हारी मंदोदरी का बल बचा है। जिस दिन मंदोदरी तुम्हारी छोड़ देगी तुम्हारा साथ, और जिस दिन तुम अपना आत्मविश्वास खो बैठोगे, तुम भी मारे जाओगे। इसलिए मान जाओ, सीता को छोड़ दो भगवान को। माल्यवान कहते नहीं मानते। अत्रि ने कहा दंडकारण्य में कैसे रहना, सीता को दिव्य वस्त्र आभूषण दिए, सीता तापस वेश में क्यों रहे, राम को मिला है श्राप तो राम पहने तापस वेश में। सीता ने अभी तक वस्त्र स्वीकार नहीं किए थे, पर अब अच्छे वस्त्र मिले हैं उसको, अनुसुईया का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया और कहा 11 साल तक तो मैं यही वेश पहनूंगी, पर यहां से जब जाऊंगी तो आपकी आज्ञा मानकर लंका में जब रावण के यहां रहूंगी तो रावण के यहां मैं ये वेश भी उनका रहूंगी। सबको सब मालूम है, सबको मालूम है क्या होना है, सब दिव्य दृष्टि संपन्न है, अत्रि भी, रावण, राम भी, सीता भी, सब जानते हैं। दिव्य वस्त्र पहन के रहूंगी, सीता को सती धर्म का संदेश दिया जो मैंने तुमको सुनाया। तब तप बल क्षीण न होने पाया, इसके लिए अंगराज दिया, अंगराज लेप 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 करने के लिए, रोज सुबह शाम इसको लगा लेना, तुम देखना इस अंगराज से तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। श्री राम को यह बताना कि अब तुम्हें राक्षस मिलेंगे, उन्हें नष्ट करते हुए सुतीक्ष्ण और अगस्त की तुम्हें मदद मिलेगी। बस यहां आकर अत्रि की भूमिका समाप्त होती, पर अत्रि की भूमिका शरभंग ऋषि कल हम लेंगे, देहातीत ऋषि शरभंग ऋषि लेंगे। उसके पहले मैं तुमको कुछ बातें सुनाना चाहता हूं परम भक्त महर्षि अत्रि की। अत्रि कौन थे आखिर? संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, पूरा ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में है, प्रत्येक मंडल के मंत्रों के ऋषि अलग अलग हैं। इसमें ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि अत्रि कहे जाते हैं, इसलिए यह मंडल आत्रेय मंडल कहा जाता है। इस मंडल में 87 सूक्त हैं। महर्षि अत्रि द्वारा विशेष रूप से अग्नि, इंद्र, मरुत, विश्वे देवा, सविता आदि देवों की स्तुतियां हैं, महती स्तुति शामिल हैं। और सही अर्थों में देखा जाए तो वे वेवस्वत युग के मुनि थे, मंत्रकार के रूप में उन्होंने उत्तानपाद को अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया था। और सही अर्थों में अत्रि दंपत्ति अपने आप में बड़े विलक्षण हैं, अपने नाम के अनुरूप जीवन यापन करते हुए सदाचार परायण हो चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। मैंने तुमको एक पौराणिक कथा सुनाई, पर मैं तुमको एक दूसरी कथा सुनाना चाहता हूँ, जिस तरह से भगवान दत्तात्रेय और ये सब आए इनके जीवन में, वो वाली कथा सुनाना चाहता हूँ। वो तुमको समझ में आएगी तो तुमको पता चलेगा कि सती अनुसुईया ने जो कहा वो तो कहा ही कि मुनियों मुझसे कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, सती जी, सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। मुनियों ने कहा देवी यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गई, जो मैंने तुमको बताई, जो कहानी सुनाई मैंने तुमको, उस कहानी को एक तरफ रख दो, दूसरा स्थान है। दूसरा, अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी, दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया। ये वैदिक काल की कथा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तपस्या करके प्रसन्न किया और उसके बाद प्रसन्न करके उनसे प्रार्थना की कि आप त्रिदेव मेरे यहाँ जन्म लें तो सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के नाम से उनके पुत्र बने, जो क्रमशः अनुसुईया पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। सोम यानी चंद्रमा, दत्तात्रेय यानी विष्णु, दुर्वासा यानी महेश, चंद्रमा यानी ब्रह्मा। अनुसुईया पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। वनवास काल में जब सीता, राम, लक्ष्मण, चित्रकूट, महर्षि आश्रम के आश्रम में पहुंचे तो वहां उनको जो संदेश दिया गया पतिव्रत धर्म का दिया गया। बाकी जो मैंने कथा सुनाई थी वो उसमें एक चीज में बोलना भूल गया था, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने कभी भी काम भाव में किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, तो आप तीनों तीन तीन माह के बच्चे बन जाएं। और तीन तीन माह के बच्चे बनकर त्रिदेव और उनको खिलाया, प्रेम से दूध पिलाया, और उसके बाद ये वो पौराणिक कथा है। अभी जो मैंने बताई वो वैदिक कथा है, ये पौराणिक कथा है। ऋग्वेद का जो पंचम मंडल है आत्रेय मंडल कहलाता है। ऋग्वेदीय स्वस्ति सूक्त है, स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये अत्रि ऋषि के द्वारा लिखा गया है, इसको सारे विश्व में गाया जाता है और ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। कल्याण सूक्त कहा जाता है, मंगल सूक्त कहा जाता है, श्रेय सूक्त कहा जाता है। आज भी प्रत्येक मांगलिक कार्यों, शुभ संस्कारों, पूजा अनुष्ठानों में
कल्याण प्राप्ति के लिए, अभ्युदय प्राप्ति के लिए, भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए तथा अमंगल के विनाश के लिए इसी का सस्वर पाठ होता है। इस मांगलिक सूक्त में अक्षविनी, भग, अदिति, पूषा, ध्यावा, पृथ्वी, बृहस्पति, आदित्य, वैश्वानर, सविता, मित्रा, वरुण, सूर्य, चंद्रमा सबसे स्वस्ति कल्याण की प्रार्थना की गई। इससे महर्षि अत्रि के उदात्त भाव, लोक कल्याण की भावना का परिचय मिलता है। सविता देवता से उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रार्थना की है अत्रि ने, जो ऋग्वेद के पंचम मंडल में है। हे सविता देव, आप हमारे संपूर्ण दुखों को, अनिष्टों को, शोक कष्टों को दूर कर दें और हमारे लिए जो हितकर हो, कल्याणकारी हो, उसे उपलब्ध कराएं। ये भी सूक्त स्वस्ति अत्रि ऋषि के द्वारा रचा गया है। अत्रि ऋषि ने आत्रेय धर्मशास्त्र लिखा है, अत्रि विस्मृति स्मृति ग्रंथ लिखा गया है उनकी स्मृति में, और सूर्योपस्थान उनके द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब अत्रि ऋषि और गायत्री मंत्र, सूर्य की आराधना ये भी मिली हुई है, स्वस्ति वाचन भी मिला हुआ है, अगमर्षण जो सूर्योपस्थान का मंत्र है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इंद्र सूक्त भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। महर्षि अत्रि ने अपने द्वारा दृष्ट मंत्रों में, धर्म सूत्रों में सदाचरण से यही बात बताई है, व्यक्ति को सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मैं जानता हूं मित्रों, सारी बातें तुम लोग नहीं लिख सकते, पर तुम लोग सुन सकते हो और सुन के महत्व पता लग सकता है। जब ये किताब के रूप में आएगा सामने, तब तुमको सारी चीजें मिलेंगी। अनुसुईया की मैंने तुमको बात बता दी, और अनुसुईया सती अनुसुईया है, सती के रूप में है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रकरण आता है कि सारे मुनिजन भगवान श्री राम को घेर लेते हैं। भगवान श्री राम उनमें से अत्रि जी को पहचानते हैं और भगवान कहते हैं, हे अत्रि जी, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, मैं पिता की आज्ञा से दंडकारण्य आया हूँ, इसमें वनवास के हित से आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ हूँ। करत दंडवत मुनि उड़लाए, प्रेम बारे हुए जन अनुवाए, देख ही राम छवि वचन जुड़ाए, सादर निज आश्रम तब आए। परम भाग्यवान महर्षि अत्रि प्रभु की सौंदर्य सुधा का पान करते हैं, स्तुति करते हैं। इसके बाद धर्मज ऋषि ने भगवान श्री राम को अपनी धर्मपत्नी अनुसुईया देवी का परिचय कराया। हे श्री राम, आप निष्पाप हैं, जिन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावले होकर 10 रात के बराबर 1 रात बनाई थी, वही अनुसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी हैं। पति अपनी पत्नी का परिचय कितना सुंदर देता है, देखो अत्रि अपनी पत्नी का परिचय देते हैं, ये देवी अनुसुईया तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है, संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है, क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विदेह नंदिनी सीता अनुसुईया देवी के पास जाएं और अनुसुईया देवी से संदेश लें, आगे की यात्रा अनुसुईया देवी के आदेश के अनुसार इनकी पूरी होगी। मित्रों, श्री राम जी लास्ट में पूछते हैं, हे तात, हे देवताओं के आश्रय स्वरूप, हे महायशस्वी अत्रि मुनि, ये अध्यात्म रामायण का प्रसंग है, सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि हम आगे कैसे जाएं। दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे हैं तो आप बताइए कि हम किसके साथ जाएं, आप कुछ शिष्यों को साथ भेज दीजिए। जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं ना, कुछ लोगों को साथ कर दीजिए ताकि हम वहां तक पहुंच सकें। तो बोले, हे राम, हे देवताओं के आश्रय स्वरूप, सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आपका मार्गदर्शन कौन बनेगा। पर आप लोक संग्रह कर रहे हैं, लोक व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं, अतः मेरे शिष्य आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे और आपको सीधे जाके शरभंग ऋषि से मिलाएंगे। शरभंग ऋषि की चर्चा हम कल करेंगे, आज हम ध्यान करेंगे माता सती का, माता वंदनीय माता जी के रूप में, परम वंदनीय माता जी के रूप में, जो इस मिशन की सही अर्थों में परम पूज्य गुरुदेव के साथ अंतिम जीवन के 40 दिन परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के 24 अप्रैल से लेकर के 2 जून तक का समय मैंने जो बिताया है, उसमें मैंने गुरुदेव के मुंह से एक ही बात सुनी है माता जी के लिए, माता जी सती हैं, माता जी सती हैं, माता जी का ध्यान रखना, माता जी 4 साल तक जिंदा रहेंगी और माता जी 4 साल में मिशन की फाउंडेशन रख जाएंगी, नींव रख जाएंगी, तुम ध्यान रखना, माता जी जो कहें उनका वर्ड बाय वर्ड पालन करना और तुम देखना मिशन न जाने कहाँ से कहाँ बढ़ेगा। माता जी माता जी माता जी की चर्चा गुरुदेव, बस मैं जब माता जी नीचे जाती थी, जिन मिशन का कार्य चलना था तो माता जी नीचे जाती थी, मैं गुरुदेव के पास रहता था। माता जी का सती रूप में ध्यान करेंगे, परम वंदनीय माता जी माता भगवती देवी, आज उन्हीं का ध्यान करेंगे और हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर भी नारियां लड़कियां ये प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर भी वंदनीय माता जी की शक्ति विराजमान हो, हम भी अपनी अपनी ही नहीं अपने साथ नारी शक्ति की सुरक्षा कर सकें। बच्चों के भाइयों के मन में ये आना चाहिए, हम भी माता जी की तरह से सबका भाव रखते हुए
ना मात्र की रक्षा के लिए, नारी मात्र के संरक्षण के लिए, नारी मात्र को सशक्तिकरण देने के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकें, ऐसा आप लोग सोचेंगे और आप लोग ये भाव करते हुए मेरे निर्देशों के अनुसार ध्यान करेंगे और उसके पश्चात हम लोग प्रार्थना करेंगे। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, शांति कुंज, सप्तऋषियों की तपस्थली, विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली, शांति कुंज, गायत्री कुंज, ये पूरी दोनों के दोनों विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव कभी यहाँ नहीं आए इस स्थान पर, आए भी होंगे तो पहले आए होंगे मित्र, मुझे नहीं मालूम। परम वंदनीय माता जी श्रद्धांजलि समारोह के दौरान इस पूरे क्षेत्र में आई हैं, घूमी हैं और इस जगह उनके चरण पड़े, उन्हीं के द्वारा स्थापित छोटा महाकाल यहाँ स्थापित है। परम वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव का संरक्षण, देवात्मा हिमालय और गंगा माता दोनों की भूमि, पावन भूमि, ऋषियों की तपोभूमि, अखंड दीपक, निरंतर जलने वाला अखंड दीपक वंदनीय माता जी द्वारा सुरक्षित संरक्षित, 24 देवकन्याओं के द्वारा पोषित, आज भी परम वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में जीजी देवकन्याओं के द्वारा, ऋषि कन्याओं के द्वारा हमारी उस वनांचल दंडकारण्य क्षेत्र की बच्चियों के द्वारा उसको पोषित करती रहती है, निरंतर उसकी ज्योति रक्षा करती है। ऐसे अखंड दीप की रक्षा करने वाली, दीपक की रक्षा करने वाली वंदनीय माता जी, साक्षात गायत्री का रूप, साक्षात मां सती का रूप, साक्षात मां अनुसूया का रूप, साक्षात महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का रूप, उनके तप से ये मिशन बहुत आगे बढ़ा है। परम पूज्य गुरुदेव ने जिसकी नींव डाली थी उस नींव को सींचा है, तो परम वंदनीय माता जी के तप ने सींचा है। परम वंदनीय माता जी हमारी रक्षा करें, हमारे जीवन में स्थापित हों। उनकी कृपा हम पर बरसे, हे माँ आप जहां कहीं भी हों हम पे अनुदान बरसाती रहे, हमारी मनोकामना पूरी करें, हमारे अंदर सोए हुए आत्मबल को जगाती रहे। हो सकता है हमसे कई भूले हुई हों, उन भूलों को क्षमा कर दें। हे माँ आप श्री राम वल्लभा हैं, आप भगवान श्री राम का साथ देने के लिए आई थी, आपने भी बहुत कष्ट पाए हैं और कष्ट पाकर के आपने ये मिशन खड़ा किया है। जिस संगठन को हम सींचेंगे आपके तप से, जो आपने खड़ा किया है, इस संगठन को हम आगे बढ़ाएंगे, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे जो आपने चलाया है। हम नारी हैं तो हम नारी सशक्तिकरण के मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, हम पुरुष हैं तो हम नारी को उसका सम्मान दिलाएंगे। हे मां हमें आशीर्वाद दें, आपका तप, आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे हैं। ध्यान करें मात्र रूप में, शक्ति के रूप में, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम ओम।
असतो मां असतो मां सद्गमय सद्गमय ओम ओम तमसो मां तमसो मां ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर मां ओम मृत्योर मां अमृतम गमय अमृतम गमय ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, ध्यान की ऊर्जा को धारण करें। आरती करेंगे हम लोग, आरती की तैयारी करें। आरती जब तक तैयारी होती है तब तक एक बात बता दूं बच्चों, लाइट ऑन करो बच्चों। मैंने दिया का मूवमेंट ऑन किया था यहीं से 2006 में, और वो पूरे देश में गति पकड़ गया आग की तरह से। दिया आंदोलन इतनी तेजी से जयपुर, कोटा, अजमेर, अहमदाबाद, गुजरात के सभी जिलों में, कलकत्ता, हैदराबाद, बॉम्बे में दिया ग्रुप बहुत सक्रिय, सब जगह, यहाँ तक कि कल्पना करोगे बस्तर में सक्रिय है, बस्तर में युवा ग्रुप, दिया ग्रुप है, रायपुर में दिया ग्रुप, यूनिवर्सिटी में दिया ग्रुप नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम दिया बनाओ, दिया के मूवमेंट के सदस्य बनो। मैं तुम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए दिया की क्लास कराऊंगा एक, जिससे दिया के सदस्य कैसे बन सकते हैं, दिया बनने की कोशिश करना। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, यहाँ से निकलते निकलते तुम ये कह सको हम दिया के सदस्य हैं। तुम बनना चाहते हो कि नहीं बताओ? बहुत कम हाथ उठे भाई, मैं इतने कम हाथ पे नहीं हूँ, मैं करूंगा। सब बनना चाहते हो? नहीं, सबको बनना पड़ेगा बेटा, है ना, सब कोशिश करना। पीछे पीछे आरती करने जा रहे हैं, यही बोल रहे हैं। हाँ ठीक। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति तरुं प्रधानं पुरुषं तथा येषो गते कारणमीशं वा तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मारुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सन कादि शेष और सारद, सुख सन कादि शेष और सारद, वरन पवन सुत कीरतिनी की, वरन पवन सुत कीरतिनी की, भारत श्री रामायण जी की, भारत श्री वेद पुराण अष्टदव, छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, मुनि जन ध्यान को सर रस, मुनि जन धन संतन को सर बस, सार अंत सम्मत सब ही के, सार अंत सम्मत सब ही के, भारत श्री रामायण जी के, भारत श्री रामायण जी के। गावत संतत संभ भवानी, गावत संतत संभ भवानी,
हर घट संभव मुनि विज्ञानी, हर घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभु सुंदि वरुण से ही की, कागभु सुंदि वरुण से ही की, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, कलिमल हरणि विषय रस प्रीति, कलिमल हरणि विषय रस प्रीति, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुई अमी की, दलन रोग भव मुई अमी की, सात मात सब विधि तुलसी की, सात मात सब कलित ललित सियपीति, कीरत कलित ललित सियपीति, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। हाथ ऊपर कर लें अपनी आरती लेने का भाव, भाव ये कि ये ज्ञान जो आज हमने सीखा है सुना है हमारे जीवन में स्थापित हो, ऐसे महान ऋषि और ऐसे अवतारी चेतना का हमने वर्णन सुना, यह हमारे जीवन में स्थापित हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों पर रखें। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 परम सत्ता को नमन करने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ। कल और आज मैं दो दिन में करीब करीब 140 लोगों से मिल चुका हूँ, 140 बच्चों से मिल चुका हूँ जो इस साल इंटर्नशिप में जाएंगे या इस साल यहाँ से चले जाएंगे। मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, मेरे नेत्र खुल गए हैं अंदर, मुझे बहुत सारी बातें पता चली जो मुझे पहले नहीं मालूम थी, मुझे बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिली है। और मैंने इंटरेक्टिव रखी है बेटा क्लास, इंटरेक्टिव का मतलब ये होता है कि तुम भी कुछ बताओ अपने बारे में, तुम भी कुछ बताओ, सुझाव दो इस यूनिवर्सिटी को माँ मानते हुए अच्छा बनाने के लिए। मैं इसी तरह की क्लासेस और भी आगे चालू रखूँगा, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, एमए फर्स्ट प्रीवियस, और उनकी भी क्लासेस लूँगा ताकि तुमको कभी निराशा ना हो कि हमसे नहीं मिले। सबसे मिलूँगा मैं, और पीएचडी वालों से मिलूँगा, संवैधानियों से मिलूँगा, पर अभी पहले मैं इनसे मिलूँगा जिसका कल मैंने बुलाया है, उन लोगों को आना है। उस महासत्ता को नमन। ॐ नमो स्वन्ताय सहस्रमूर्तये